तो आज भाइयों बैठे हैं हम हुंडई की क्रेटा के अंदर। तो आज एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। एक्सटीरियर तो आपने गाड़ी का देखा हुआ ही होगा, रोड पे चलती देख ली हुई, और इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें क्या एक्स्ट्रा हमको इसमें मिल जाती हैं, और चलाने में क्या, मेनली ये आज जो वीडियो रहेगा इस पर रहेगा कि चलाने में क्या डिफरेंस मिल जाता है हमको उसके ऊपर। तो ये बता देता हूँ पहले मॉडल कौन सा है। तो क्रेटा का SX मॉडल है, पेट्रोल में, नॉन टर्बो पेट्रोल के अंदर टॉप मॉडल जो आता है वो है ये। अब सबसे पहले इसकी एक दो कमी बता देता हूँ, मेरे को जो लगा इस गाड़ी के अंदर उनको देनी चाहिए थी वो ये है कि इन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ टर्बो तक या डीजल के टॉप मॉडल तक ही लिमिटेड रखी। पहला तो आता है बोस का म्यूजिक सिस्टम, तो यहाँ पे हमको नहीं मिलता है टॉप मॉडल होने के बावजूद भी। टच स्क्रीन वगैरह सब हमको मिलती है, यहाँ पे जो स्पीकर आता है हमारा अलग से वो भी हमको नहीं मिलता है। बाकी आप देख रहे हो क्रूज कंट्रोल में गाड़ी भी चल रही है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पीड जो 55 की डाली हुई है, तो क्रूज कंट्रोल का हमको फैसिलिटीज़ के अंदर मिल जाती है। ये जो स्टिचेस वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये कोई लेदर वगैरह नहीं है, प्लास्टिक जो आती है वैसी ही है, कुछ अलग से काम नहीं हुआ है, बाहर से कंपनी से ही सारा काम जो हुआ हुआ है वो पहले से ही आया है। मैनुअल है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है हमको रियर कैमरा ऑन रखने के लिए दिया हुआ है कि आप चलती गाड़ी में रियर कैमरा ऑन कर सकते हो। जैसे मैं अभी दबाता हूँ इसको तो आपको ये यहाँ पे दिखता रहेगा। तो बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है। एक मेरे को अच्छी चीज़ जो लगी वो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, अगर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए SOS के और इनके दिए हुए, ये हमको नेक्सॉन के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते हैं, तो एक अच्छी चीज़ दी है। बाकी इस मॉडल की सबसे बड़ी बात जो ये वो है, वो ये सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ, इसका तो मज़ा अलग ही है। और गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके से आता है, डुअल टोन में आता है, तो दिखने में बिल्कुल प्रीमियम फील देती है हमको गाड़ी। ये तो हो गया इंटीरियर की बातें। साथ में एक चीज़ की कमी और है कि ये एडजस्ट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता हमको, और ये पीछे हमको ये ब्लाइंड्स मिल जाते हैं ऑलरेडी पहले से कंपनी जाते हैं, आफ्टर मार्केट नहीं है, देखो आफ्टर मार्केट अलग से लगते हैं। तो इन चीज़ों का हमको बेनिफिट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर पहले से ही। हालांकि अगर नेक्सॉन से कंपेरिजन करें तो ये गाड़ी महंगी है। कितनी पड़ी थी अपने का 15,55,000 की ऑन रोड हमको पड़ी थी, जबकि नेक्सॉन का मॉडल टॉप मॉडल ऑटोमेटिक वगैरह सब हमको पेट्रोल में पड़ जाता है 13,50,000 रुपये का। साथ ही में हमको एम्बियंट लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कट, यहाँ पे ये थोड़ा ब्लू कलर का भी दिखेगा नहीं आपको, ये दिख रहा ना अंदर, ये इस तरीके से इसमें एम्बियंट ट्रिम लाइट दे दी जाती है। सिर्फ डैशबोर्ड में इतने से पार्ट पे आती है, बाकी वहाँ तक कहीं पर भी नहीं आएगी, ना आपको डोर में मिलती है और ना ही आपको नीचे लेग रूम में मिलती है। उसके बाद में ये जो चीज़ है हमको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं लाइट के, और साथ में हमको सनरूफ के, और साथ में हमको सनग्लास होल्डर भी इसमें मिल जाता है। और पीछे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, और नीचे मिल जाता है चार्जर, और आगे की तरफ हमको यहाँ पे मिलता है USB चार्जर, साथ में हमको पेंटर वगैरह लगाने के लिए 12 वोल्ट का 180 वॉट का चार्जर लगा सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे हमको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह, आराम से फ़ोन रखो, जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उन फ़ोन को रख के आप चार्ज कर सकते हो आराम से, आपको वायर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि चलाने में क्या डिफरेंसेस आते हैं, और क्या मतलब मुझे क्या अलग लग रहा है नेक्सॉन से चलाने में इस गाड़ी को, पिकअप में परफॉर्मेंस वाइज। अभी ये बिल्कुल नई गाड़ी है, जैसा आपको किलोमीटर दिख रहा होगा अभी 1,913-2,000 के लगभग पहुंचने वाली है। फ्रंट स्टीयरिंग कुछ ऐसा दिखता है, फ्रंट स्टीयरिंग ऐसा ही होता है, दो स्टीयरिंग होता है। तो यहाँ पे ऐसे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हमको ट्रिप वगैरह के और इन सब के, ये वॉल्यूम के लिए, कॉल पिक करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, ये हो गए हमारे इन्फोटेनमेंट के। उसके बाद में यहाँ जो कंट्रोल्स मिलते हैं हमको MID कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे हमको क्रूज कंट्रोल के लिए और ये ऑप्शन मिल जाते हैं पॉज करने के लिए, ओके करने के लिए, ये सब इसके कंट्रोल्स हैं MID के। तो अभी माइलेज आपको दिख रहा होगा इसमें 8.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको दिखता ही सबको सामने क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, अभी आपको चेक करते हैं, बताते हैं आपको कैसी लगती है ड्राइव एक्सपीरियंस क्या है गाड़ी का। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो ये हमको यहाँ पे नॉब मिलता है पास मारने के लिए, पास मारने वाला नॉब बहुत ही स्मूथ है, ये देखो पास मारने वाला, आप खुद यूज़ करके मालूम चलेगा बहुत ही यूनिक है, नेक्सॉन से मिलता जुलता नहीं है। सेकंड जो चीज़ मेरे को बहुत तगड़ी लगती है क्रेटा के बारे में, वो उसका हॉर्न है, अलग ही सबसे अलग बना हॉर्न है इस गाड़ी का, और आफ्टर मार्केट मिलता है बड़ी मुश्किल से,
आप बताता हूँ वो ड्राइव एक्सपीरियंस, अभी मैं गाड़ी भगाया वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, पहले बताता हूँ गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है। चलाने में बिल्कुल भी ऐसा लग रहा नहीं कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, हालांकि कोई एसयूवी है नहीं है, पर फिर भी क्रेटा ह्यूज है गाड़ी दिखने में, ठीक है। पर नेक्स्ट वन से कंपैरिजन करूँ ना तो मैं गाड़ी मेरे को इतनी ह्यूज लग रही नहीं अंदर से, रीजन क्या बताता हूँ आपको, पिलर साइज छोटी है, फ्रंट का जो विंडशील्ड है बहुत बड़ा है, और मुझे जिस पोजीशन में बैठा मुझे यहाँ से बोनट और बहुत नजदीक तक का दिख रहा है, जबकि मेरे को नेक्स्ट वन में नीचे बैठता हूँ बोनट तो बहुत आगे दिखता है, साथ में बहुत जगह जो है वो खराब हो जाती है, दिख नहीं पाता, ब्लाइंड बन जाता है। अभी क्या हो रहा है, एक तो मुझे ये वाला ऐसा ब्लाइंड नहीं बन रहा बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल आएगा बिल्कुल साफ दिख रहा है, और आराम से गाड़ी ड्राइवेबल है सिटी के अंदर, क्योंकि मुझे हर चीज जो है पता है गाड़ी कितनी लंबी कितनी छोटी क्या क्या है। नेक्स्ट वन थोड़ा सा ये पता लगाना मुश्किल होता है, तो मतलब ड्राइवेबिलिटी के अंदर और कंफर्ट के अंदर अगर गाड़ी की बात करें तो बहुत अच्छा है गाड़ी का कंफर्ट, कंफर्ट सीट जो कंफर्टेबल आती है वो नेक्स्ट वन की ज़्यादा है अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं, बाकी चलाने के अंदर जो भी सिटी के हिसाब से जो नेक्स्ट वन को चलाने में थोड़ा सा टफ लगता है सिटी में, वो इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ड्राइवर की साइड में है, थोड़ा सा टिल्टेड है, जैसे होंडा वगैरह में आता है उस तरीके से दिया है होंडे ने भी, पर ये अपने को नेक्स्ट वन वगैरह में किसी में भी नहीं मिला, टाटा की किसी गाड़ी में हमको ये चीज़ नहीं मिलती। ये गाड़ी नॉन टर्बो है तो पिकअप इसके अंदर ऑब्वियसली कम होगा, तो अभी मैं अगले थोड़ी सी आगे जाके फिर सेकंड गियर में अगर पिकअप लेके बताऊंगा कितना मेरे को पिकअप क्या लगता है क्या है। अभी गाड़ी चल रही है 48 पे, थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है अब सेकंड गियर है, अभी कुछ अलग सी चीज हुई, मैं आरपीएम ले गया 6000 तक, गाड़ी की आवाज जो इंजन की वो बहुत कम है, अंदर कैबिन में बहुत ही ज्यादा कम आती है, इंजन बहुत रिफाइंड है कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन, भगाने के बाद में भी इतनी आवाज वगैरह कर रहा नहीं था। और दूसरी अगर हम बात करते हैं गाड़ी का पिकअप की, तो टर्बो की कमी यहाँ पर है और हमको पिकअप वगैरह बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत कम फील होता है, टर्बो का जो पिकअप था वो बिल्कुल यहाँ पे हमको जीरो हो जाता है, टर्बो है ही नहीं इस गाड़ी में। बाकी पिकअप इसका लीनियर है पर है पिकअप गाड़ी में, ऐसी बात नहीं पिकअप नहीं है। अभी देखना मैं अपने क्लच दबा दिया एक्सेलरेटर छोड़ दिया, पर देखो स्पीड कितनी धीमे धीमे कम हो रही है। अब आगे 4000 से ऊपर अगर आप क्लच दबा देते हो गाड़ी का तो भी गाड़ी आरपीएम बहुत धीमे धीमे कम करती है, जब आपने क्लच दबा रखा हो और एक्सेलरेटर छोड़ ही दिया हो, 4000 के बाद में आगे जल्दी जल्दी ड्रॉप होता है आरपीएम। अभी क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया इसका लॉजिक। अभी बस क्रूज कंट्रोल कहते हैं, क्रूज कंट्रोल की अलग ही फील है, नेक्स्ट वन में हमको मेरे वाले मॉडल में मिलता नहीं टॉप मॉडल में मिलता है, पर अभी इसमें ला के देखते हैं है भी हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी गाड़ी चल रही है 45 के नियर 50 के नियर, अभी मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है, अभी क्रूज कंट्रोल लगा दिया 45 पे, यहाँ पे दिख रहा है 45 दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से बढ़ाता हूँ इसको मैं, तो बढ़ाने के लिए हमको यहीं पे बटन दिए हैं स्टीयरिंग माउंट, इस पे तो सिंगल सिंगल बढ़ा सकते हो आप, और आप चाहो तो 10-10 पे बढ़ा सकते हो, जैसे फटाफट बढ़ रहा है और गाड़ी पिकअप भी फटाफट ले रही है, ऐसा कुछ लैग वगैरह दिख रहा नहीं है गाड़ी के अंदर, फटाफट पिकअप ले रही है गाड़ी। और वहीं पे अगर हमको ड्रॉप कर 90 की स्पीड पे दे रखा मैंने और आप तब से कंटिन्यूसली पिकअप लिए जा रही है, कम करना हो तो 60-50 कम हो रही है, बस ब्रेक नहीं लगते हैं गाड़ी के अंदर, बाकी नॉर्मली कम होने लग जाती है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो अभी मैं थोड़ा टर्न पे घुमा रहा हूँ गाड़ी, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, गाड़ी स्टेबल है, क्योंकि इसके शॉकर्स की बात अब करते हैं हम, परफॉर्मेंस की बात हो गई, अब शॉकर्स की बात कर लेते हैं। शॉकर्स की बात ऐसी है कि शॉकर नेक्सॉन से स्टिफ आते हैं, इसके स्टिक बोलते हैं टाइट आते हैं, जो कि इसको हाईवे के ऊपर और स्टेबल कर देते हैं गाड़ी को, और अभी जैसे टर्न के ऊपर भी गाड़ी बहुत आराम से घूम रही थी, कोई इतना झुलम जली नहीं थी, तो स्टिफ होने के रीजन से ये फायदा मिलता है हमको। नुकसान क्या मिलता है बताता हूँ आपको, नेक्सॉन या फिर और कोई बड़ी गाड़ी भी होती है तो अगर वो किसी भी खड्डे से निकलती तो आवाज़ नहीं करती, पर क्रेटा की सबसे बुरी बात जो आज तक रही है शॉकर के मामले में वही है कि छोटे खड्डों का तो पता नहीं पड़ता इसके अंदर बिल्कुल भी, पर जैसे ये कोई ब्रेकर वगैरह पे से आपने निकाल दिया कोई भी ऊंची चीज के ऊपर निकाल दी तो आपकी गाड़ी आवाज़ कर जाएगी, बट ऐसी आवाज़ करेगी जैसे कोई बहुत ही पुरानी गाड़ी चला रहे हो आप, बाकी छोटे मोटे खड्डे होते हैं वो इसके टायर वगैरह शॉकर वगैरह खा जाते हैं, हमको पता नहीं पड़ता कैबिन तक ऊपर, वो आराम है इस गाड़ी के अंदर, और कोई भी पॉटहोल आ गया या कुछ भी ब्रेकर आ गया बड़ा आपने स्पीड से निकाली तो फिर आपको गाड़ी के अंदर बहुत तगड़ा वाला फील होगा। तो ये होगा शॉकर, परफॉर्मेंस गाड़ी की कैसी है क्या है, चलाने में बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्टेयरिंग वगैरह अच्छा है। अभी मुझे जिस एंगल में बैठा मुझे यहाँ से सब चीज़ें दिख रही गाड़ी की, फ्रंट पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक,
यहाँ से पूरा पीछे तक का इससे दिख रहा है अच्छा खासा हमको यहाँ पे साइड मिरर मिल जाता है जिसके अंदर पूरी चीज दिख जाती है। प्लस हमको ये जो IRVM मिलता है IRVM के अंदर ही मुझे पूरा पीछे का कवर हो रहा है और उस साइड का पूरा कवर हो जाता है। तो इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि गाड़ी इस मैं आपको बता रहा हूँ सिटी वाली चीज, आप अगर आप कभी चलाओ क्रेटा तो आपको ये चीज़ हमेशा जरूर फील होगी। आपको चेक भी करना है कि सिटी में चलाना नेक्सॉन को थोड़ा सा मुश्किल है और क्रेटा चलाना बहुत आसान है। क्रेटा थोड़ा सा ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी है, सेगमेंट भी चेंज ना करें तो भी थोड़ी सी प्रीमियम वाली गाड़ी है, इसके अंदर आपको ज़्यादा ह्यूज फील होना चाहिए गाड़ी के अंदर, पर ऐसा होता नहीं है। आपको पता लगता है ऐसा जैसे वेन्यू या कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो। और बाकी ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट वगैरह बढ़िया है, धचके वगैरह नहीं आते हैं गाड़ी के अंदर, सीट वगैरह भी कंफर्टेबल आती है, बता चुका हूँ नेक्सॉन ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर इसकी जो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंस हमको अच्छी मिलती है, कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम की जो बात करते हैं, इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम जो मिलता है पेट्रोल नॉन टर्बो के अंदर, वो हमको नेक्सॉन की XM से परफॉर्मेंस वाइज अगर स्पीकर्स की बात करते हैं फिर ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमको उतना अच्छा नहीं मिलता है। हालांकि टॉप मॉडल है पर हमको अच्छा नहीं मिलता आउटपुट इसका, और रीज़न पता है आपको, इसके अंदर बोस के सिस्टम दिए नहीं है। बोस वाले के अंदर जो आउटपुट मिलता है वो हमारे हारमन से बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अब ये क्रेटा है, हुंडई ने किस तरीके से क्या खेल खेला हमको पता नहीं है, पर ये इस तरीके से है जो भी है, तो ये चीज़ की कभी हटा देनी चाहिए इन लोगों को। गाड़ी के अंदर टॉप स्पीड जो हमको मिली हुई है 240 किलोमीटर पर आर की मिली हुई है। आप ओनर से पूछते हैं उन्होंने कितनी चलाई हुई, कितनी स्पीड से चलाई है, आपने कितनी स्पीड तक भगाया इस गाड़ी को? इसको मैंने चलाया 160-165। तो उस टाइम पे कोई वाइब्रेशन वगैरह फील हुआ आपको? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, रोड पे बिल्कुल चिपक के चलती गाड़ी, कट लेने में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती कहीं पे भी। मतलब गाड़ी घुमाने में 30 स्पीड पे गाड़ी घुमाने में बिल्कुल बिल्कुल बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब जो स्टिफ सस्पेंशन दिया वो बिल्कुल काम करते हैं, बिल्कुल बढ़िया शानदार काम करते हैं। हाईवे पे चलाने का मजा ही अलग आता है, ऐसा लगता है प्रीमियम कार चला रहे हैं कोई। अच्छा तो मतलब सही है, आप 15-15.5 लाख रुपए देते हो तो आपको अच्छा फील मिल जाता है। फील मिलता है गाड़ी के अंदर जो पावर है वो हमको जिस टाइम पे आपको चीज उस टाइम मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि टर्बो लैग वाला जो सीन होता है ना ऐसा कुछ नहीं मिलता हमको। अब जैसे कभी भी ओवरटेक करना कुछ नहीं, एक्सीलेटर पुश करना है, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं, गाड़ी पिकअप लीनियरली पिकअप लेना शुरू कर देती है। तो ओवरटेक करने में इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ अभी गियर डाउन करूँ या नहीं करूँ या कैसे करूँ वो करूँ, तो इसका पिकअप वाला मामला बहुत सही है। अभी जैसे हम देखते हैं अगर ये गाड़ी वाला जो कि मुड़ गया है, अभी एक ब्रेकर आएगा छोटा सा उसके ऊपर से लेता हूँ, थोड़ी स्पीड फिर भी कम कर लेता हूँ। देखो अब आपने आवाज साउंड चलेगा आपको कि गाड़ी के अंदर जो है धचका में आता है, ये थोड़ा सा दबाव पिचका हुआ ब्रेकर था तो थोड़ा बहुत, जैसे अभी यहाँ पे इस रोड के ऊपर ऊंची नीची रोड है, इस रोड के ऊपर आपको बहुत ही कम फील होंगे खड्डे क्योंकि वो सारे शॉक अब्जॉर्बर जो है वो सब ले लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है सारे शॉक्स को। गियर ट्रांसमिशन सबसे मस्त है इस गाड़ी का, इतना स्मूथ है कहीं अटकने की कुछ नहीं, इतना स्मूथ ही डलता है। ये हुंडई जानी नाम से जाती है कि आपका ट्रांसमिशन वगैरह एक नंबर मिलता है गाड़ी के अंदर, तो वो मिल भी रहा है ऐसी बात नहीं है। अभी एक ब्रेकर का राउंड हो रहा है, जब तक आप बस देखो सनरूफ का क्या माहौल, आज मौसम भी थोड़ा बदल गया है तो सनरूफ पूरा पैनोरमिक का मजा ही कुछ और है, पैसा लगता है पर मजा भी आता है। ये गाड़ी ऐसी है जो आदमी को चलानी चाहिए, एक बार चला के चेक करनी चाहिए, अभी भी नेक्सॉन ले तो अगर आपका बजट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है तो एक बार जरूर चला के देखो क्रेटा। स्मूथनेस और रिफाइनमेंट जो है ना गाड़ी, तो छोटा सा यहाँ पे खड्डा है, इतना सॉफ्टली जाता है इस गाड़ी के अंदर से। पर वहीं पे अगर हम ब्रेकर की बात करते हैं जो कि हल्का सा बड़ा होता है, तो वहाँ पे हमको पूरा थर्ड मिलता है जैसे अभी आगे सामने है। अब आपको पक्का आ गई हो गाड़ी के अंदर से आवाज़ की, जो ब्रेकर के ऊपर जो गाड़ी शॉकर्स है ना वो ब्रेकर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था, ब्रेकर पे इस गाड़ी को आराम से लो। वहीं पे अगर नेक्सॉन या और भी गाड़ी होती ना शिफ्ट भी होती ना तो भी वो आराम से निकलती है, उनकी शॉकर जो होते हैं बड़े से लूज होते हैं इसके कंपेरेटिवली। तो इसके शॉकर अगर सेटअप बोलूँ मैं मिला के तो हाईवे पे भगाने के लिए पूरा साथ देने वाले हैं, सिटी के अंदर खड्डों के लिए नहीं बने, बस ये चीज़ है इस गाड़ी की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर, पसंद आया तो लाइक करके जाइए, कमेंट में बताइए क्या क्या आपको कुछ और क्वेरीज हो तो इस गाड़ी के बारे में। तो एक छोटा सा वीडियो था नेक्सॉन और कंपैरिजन के बारे में, इसके लिए मैं अंदर मैंने कोई डिज़ाइन कंपैरिजन नहीं की, कोई फीचर कंपेयर नहीं है क्योंकि ये गाड़ी का मॉडल 15-15.5 लाख रुपये का, इतने रुपये का तो पेट्रोल में हमारा वेरियंट आता ही नहीं है नेक्सॉन का। अगर बात करते हैं स्पेस की तो मैं 6 फीट और मैं भी नॉर्मली बैठा हूँ तो मेरे पाँव टच कर रहा है, आगे का जो सीट का मैंने
जितना आगे दे रखा है वो 6 फीट के हिसाब से जगह छोड़ी हुई है, तो 6-6 फीट के बंदे आ सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता। तो नेक्सॉन को मैं नंबर दूंगा इसमें कि सब 4 मीटर होने के बावजूद भी उसके अंदर हमको जो स्पेस है बहुत अच्छा मिल जाता है अंदर। इसका बूट स्पेस हमको अच्छा मिल जाता है, बूट में क्या है हमको अच्छी खासी जगह मिल जाती है, अभी पार्सल ट्रे रखी हुई ऊपर, पर फ्लैट मिलता है। फ्लैट मिलने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा बूट स्पेस कम हो जाता है, हमको फ्लैट ही मिलता है, पर फ्लैट में कोई भी सामान वामान रखने के हमको बहुत फायदे होते हैं। अभी इस गाड़ी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पीछे बैठने वाला कैसे मजा है कि सनरूफ का पूरा व्यू मिलता है। अभी आपको दिख रहा है मौसम बहुत सही है, सनरूफ क्लीन नहीं है, मालिक की गलती, सफाई नहीं करता तो बाकी मज़ा एकदम बढ़िया वाला आता है। आपको मैं बता रहा था एम्बिएंट ट्रिम लाइट वो यहाँ पर दी हुई है, बाकी यहाँ पे ब्लाइंड लग जाते हैं तो उतना पीछे वाले के लिए बड़ी चैन की जिंदगी हो जाती है। अब अगर बात करते हैं एक छोटी समरी की कि अगर मुझे क्या फर्क लगा इस गाड़ी के अंदर, वो तो मैं बताया था आपको। मेन तो एक सनरूफ का जो मेन पॉइंट है बताता हूँ आपको, जो कि मुझे खुद को फील हुए, एक सनरूफ का सनरूफ बड़ी मिल जाती है। हाँ हालांकि मानते हैं कि बजट ज्यादा है उसका, पर फिर भी आपको बता देता हूँ, तो पूरी सनरूफ आपको बड़ी मिल जाती है। बड़ी सनरूफ के कारण क्या होता है, आपको थोड़ा सा अलग ही फील आता है गाड़ी ड्राइव करने के अंदर। पीछे जो बंदा बैठता है उसको पूरा व्यू मिलता है सनरूफ का, जो कि छोटी सनरूफ में नहीं मिलता है हमको। तो वो हर छोटी गाड़ी के साथ में ये दिक्कत है कि छोटी सनरूफ में तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है इंजन को लेके, तो इंजन उसका बहुत स्मूथ है। अगर ऑपरेशनल बात करते हैं कि भगाने वगाने में भी, तो बहुत स्मूथ है, हमको वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलते। साथ ही में उसका जो अपने को नॉन टर्बो होने की वजह से पावर कम है उसकी, और साथ में नॉइसेस भी बहुत कम हो जाती है नेक्सॉन के कंपैरिजन में। बाकी पावर हमको नेक्सॉन में ज़्यादा मिलती है। सीट कंफर्ट वगैरह हमको गाड़ी का नेक्सॉन का बढ़िया लगता है। ड्राइवेबिलिटी सिटी के अंदर उसकी बेटर है, क्योंकि उसका व्यू विंग एंगल बड़ा है, साथ में अंदर चलाने पे उसमें लगता है आपकी छोटी गाड़ी चला रहे हो ऐसा लगता है आपको, मतलब आपको मस्कुलर फील नहीं आता जो कि नेक्सॉन में आता है आपको। डैशबोर्ड इसका अच्छा है कंपैरेटिवली बात करें तो डैशबोर्ड, क्योंकि आपको स्क्रीन अंदर जो स्क्रीन मिलती है वो भी आपको फ्लोटिंग मिलती है टॉप मॉडल की बात करते हैं तो। बाकी इसका इंटीरियर जो सेंटर कंसोल वगैरह वैसा आपको उसमें नहीं मिलता है। ये फर्क थे जो मेजर फर्क थे चलने वाले में, शॉकर वगैरह आपको बता दिए सब इसके अंदर जो मुझे लगा, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मैंने बता दिया आपको। दोनों गाड़ियां जो है वो अपनी अपनी जगह सही है और अपनी अपनी जगह बढ़िया है और एक एक नंबर है दोनों अपनी जगह पर। जिसको जैसी गाड़ी जो जिस बजट में मिल रही है, अगर बजट वाइज बात करते हैं नेक्सॉन हमको बहुत अच्छी मिलती है भाई, कंपैरिजन आपने देख लिया है। और इस वीडियो को पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।